गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का वक्त है और मैं जा रहा हूँ इस ट्रैक्टर में। आज मेरी एक चैनल पर महानदी का वीडियो था, जो आप इस साइड जो आई बटन क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ये मेरे घर का गेट है जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ, और उसके बाद आज मैं जा रहा हूँ महानदी। महानदी का मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, तो आपको देखने को मिलेंगे। इधर राइट साइड आप आई बटन को क्लिक करेंगे, महानदी की पूरी हिस्ट्री आपको जानकारी मिल जाएगी। सुबह का वक्त है और आपको पीछे जो दिख रहा है वो डैम है, मेरे घर के पास का डैम। और इस ट्रैक्टर से मैं जा रहा हूँ रेती लाने। तो चलते हैं, फिलहाल इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टोटल को निकाल रहे हैं, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, उसके बाद बात करूँगी। ये बंटी है हमारे घर का, तो गाइज मेरे घर से 25 किलोमीटर की दूरी में है महानदी रिवर। तो चलते हैं महानदी रिवर अपने इस ट्रैक्टर से। मुझे लाना है महानदी का रेती, जो हम लोग अपने घर के लिए ईंट बना रहे हैं। ये जो साइड में ईंट दिख रहा है, तो ईंट बना रहे हैं और घर के पीछे में, तो उसके लिए मैं महानदी के रेती के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ईंट बनाने में महानदी का रेती की ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं और आपके साथ देखते हैं महानदी रिवर। यहाँ पर हमारी ट्रैक्टर रुक चुकी है, इसलिए रोक दिया गाड़ी को, कि जो इसका राइट साइड का ब्रेक है वो जाम है और मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए पाना। इस ट्रैक्टर के जो ब्रेक हैं वो लॉक हैं, एक साइड ही ज़्यादा टाइट है, इस वजह से वो हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो किसी ट्रक वाले भाई साहब से मदद लेते हैं, इसका ब्रेक को जो नट है उसे ढीला करते हैं। जाम कोई ले गया था इस ट्रैक्टर को, इस वजह से उसने ब्रेक को टाइट कर दिया है, अब ब्रेक जाम है, इस वजह से धुआं भी निकल रहा था। ट्रक वाला रुका है, इससे हेल्प लेते हैं, देखा और मुसीबत डीजल तेरी। ट्रक वाला भाई साहब जो ना फोन में बतिया रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमको तनिक बात करने दो, उसके बाद हम तुमको पाना पेंचिस जो लगेगा वो देंगे। तो गाइस ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखिए अब ये हमारी ट्रैक्टर है, खड़ी ज़्यादा रहती है, और कोई भाई साहब इसको ले गए होंगे मंग के हमारे बड़े भाई साहब से, तो उन्होंने ब्रेक टाइट कर दिया, उल्टा ये डीजल लीकेज हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो हमको बताया रहता कि पाइप लीकेज है, तो हम पाइप भी लगा देते, तो आज ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा, अभी बहुत दूर है मंजिल। ट्रक वाले भाई साहब रुके हैं, उनसे मैंने पाना पेंचिस मंगा है, देंगे तब इसको बनाते हैं। फिलहाल इसको मैं बांधता हूँ टीम से, टीम को बांधा गया, टीम से बांधा गया है। देखिए अगर इसी को बता देता तो हम इसे चेंज कर देते। तो चलिए अपना काम करते, लेट हो जाएगा वरना। डीजल भी गिर रहा है, देखो मेरे गाड़ी को, डीजल गिर रहा है, डीजल भी गिरा, ब्रेक भी जाम, ये क्या है, गिरा है, डीजल गिर रहा है ना, पाइप को बांधना पड़ेगा। गाइस सुबह के 7 बजे हैं और
कोहरा बहुत बुरी तरीके से रोड को ढक चुका है। मेरी सफ़र की शुरुआत बहुत ही ख़राब हुई। मेरा जो गाड़ी का ब्रेक है वो लॉक हो चुका था, जाम हो चुका था, उसे मैंने फ्री किया। उसके बाद साइड से डीजल लीकेज होने लगा, बहुत सारे डीजल गिरने लगे। उसके बाद वो पाइप डैमेज है, उस पाइप को बनाना पड़ेगा। कोई स्टोर देखिए, स्टोर तो अभी खुला नहीं है। सुबह के 7 बज चुके हैं और कोहरे पूरी तरह से छाए हुए हैं। जंगल है दोस्तों, आगे देख रहे हैं पूरा घना कोहरा है। और मैं बाथरूम कर लेता हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की यूरिन लगी हुई थी इसलिए मैं रास्ते में रुक गया। पूरा कोहरा ही कोहरा है। साइकिल दुकान कहाँ है गुड्डू? नहीं दान तो है किस जी इधर नहीं। हाँ साइकिल चलना ले चल। हाँ वो खुले नहीं होंगे अभी तो घर में तो बना तो ही चल। नहीं गिर रही है ले जा, मोर टीम चाहिए छोटे से। हाँ ट्रैक्टर के डीजल लीकेज होते। चल ले भाई जल के लिए और ट्रैक्टर आते लगते। तो दोस्तों मुझे मदद मिल गई है, छोटू भाई मिल गया और टीम भी मिल गया मुझे, क्योंकि पाइप लीकेज है उसे बांधना है दोस्तों। तो चलते हैं छोटू भाई के साइकिल पर और ट्रैक्टर आ रहे हैं। चल छोटू भाई। अरे यार तो गाइस चले इस फुसेरा विलेज में। तो गांव में आपको कोई भी मदद करने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों, यही बहुत काफ़ी है। गिर गए का जी पाए का जी पाए का वो लोहला। तो भाई गांव की ये खासियत है कि आप हेल्प मांगने जाएंगे तो कोई भी हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं विलेज का। और मेरे हेल्प तो यहाँ बहुत लोग किए। तो ट्यूब मिला मुझे और ट्यूब को बांध के चलते हैं। डीजल बहुत सारी गिर गई है मेरे ट्रैक्टर का, लगभग कहता हूँ तो 3-4 लीटर और दिक्कत होगा। वहाँ टंकी भी बंद है सिरपुर में, पेट्रोल टैंक एक ही है और वो टैंक बंद है अभी फिलहाल, सुनने में आया है। कैसे क्या नाम है छोटू भाई? बबलू नाम है भाई का। यार बनाते हैं उसके बाद में।
तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं महानदी रिसॉर्ट, महानदी का रेगिस्तान, महानदी रिवर। तो यहां से मुझे ले जाना है रेती। तो दोस्तों आप रास्ता देख सकते हैं, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, ये रास्ता है। अब इससे लोड गाड़ी निकालना है अपने को। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं महानदी रिवर रेगिस्तान। तो महानदी रिवर डिसार्ट, जहां तक इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता होगा डिसार्ट, तो ये महानदी रिवर डिसार्ट है। और यहां मैं पहुंच चुका हूं और अभी 8:32 हो चुके हैं। मैं सुबह 6 का निकला हुआ हूं। मेरी गाड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम कर चुकी थी। ये सिरपुर महानदी रिवर है। तो दोस्तों रेती यहां ले जा रहा हूं, बहुत सारे जो भाई हैं वो लोड कर रहे हैं रेती। तो देख सकते हैं आप पूरा ये रेगिस्तान टाइप के, पूरा रेती ही रेती है। तो जब बरसात आता है ना तो ये पूरा पानी से ढक जाता है। मेरी गाड़ी वहाँ पर लोड, तो मेरी गाड़ी उधर लोड हो रही है और जस्ट लोड होगा फिर अपन निकल पड़ेंगे अपनी घर की ओर। तो ये महानदी रिवर है, बारिश होती है तो ये रिवर फुल भर चुका होता है। तो आज मेरे गाड़ी ने मुझे बहुत प्रॉब्लम किए हैं। अब जाने तक डीजल, यहाँ एक ही पेट्रोल टैंक है उसमें डीजल नहीं है एक्चुअली, ये बात है। अब देखते हैं डीजल मेरे घर तक जा पाता है कि नहीं। प्रॉब्लम आएगा डीजल का, जो गाड़ी में मेंटेनेंस थे उसे मैंने रास्ते में कर लिया, आपने देखे। और फिलहाल यहाँ से हम जाएंगे घर। लोड हो रही है गाड़ी। तो ये है महानदी सिरपुर का। तो दोस्तों पूरा डिफिनेटली डीजल ख़त्म हो चुका है ट्रैक्टर का और हम इस सुनसान रोड में खड़े हुए हैं। गाइस इस बात का डर है कि ये हाथी क्षेत्र है और हाथी जस्ट ये जंगल जो बांस का देख रहे हैं, बांस को वो उसका फेवरेट है, बांस और धान, तो वो आता है। फिलहाल कई लोगों से पूछा कि शाम को ज़्यादा आता है हाथी, दिन को डर नहीं, यानी रनिंग जैसा हो गया 5-6 और फिलहाल इससे लगा हुआ एक गांव है खरसा गांव, वहां पर हाथियों का डेरा है। जानवर कभी किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर है, डीजल ख़त्म हो चुकी है और मैं फंस चुका हूं। फिलहाल मैंने राजा को बुलाया है डीजल लेके, राजा आ रहा होगा तब डीजल डालेंगे। बैटरी खुली है, कोई भी निकाल के ले जा सकता है, कुछ भी पार्ट्स ले जा सकते हैं। एक ही पाना लगेगा 13, इस वजह से मैं ट्रैक्टर के पास हूँ। आगे विलेज चले गया था, विलेज में मेरे को बोला गया कि हाथी का आपको डर नहीं, आप जा सकते हैं वहाँ पर रह सकते हो। हाथी का डर शाम को 5-4 या एकदम मॉर्निंग 4 AM को रहता है। तो गाइस मैं फ़िलहाल अपने ट्रैक्टर के पास हूँ और फिलहाल कुछ पिया जाए, खाली पेट हो सुबह से, देखते हैं गर्म है कि नहीं।